कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की किल्लत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल किए। जमीनी हकीकत को समझने के लिए क्या दी नसीहत, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भले ही केंद्र सरकार यहां अभिमन्यु की भूमिका में हो, लेकिन वो इसमें भी फंसती हुई नजर आ रही है। भले आगे वो इससे बाहर आ भी जाए, लेकिन फिलहाल जिस हथियार रूपी वैक्सीन की जरूरत है वो पर्याप्त है नहीं। न केवल राज्य सरकारें बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इसे लेकर तल्ख सवाल किए हैं। वैक्सीन नीति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा तो नसीहत के साथ मोदी सरकार की उस नीति पर सीधा कटाक्ष किया जो वन नेशन नीति की बात करती है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसकी वैक्सीन नीति है क्या। गौर हो कि वन नेशन की बात करने वाली मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत की वैक्सीन पॉलिसी क्या है, क्या आप अपने को वन नेशन नीति पर रख रहे हैं, राज्यों के लिए वैक्सीन खरीद रहे हैं या फिर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अगर बल्क में खरीदी गई है तो कीमत कम हो सकती है, ये कहना केंद्र सरकार का है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो फिर राज्य को क्यों ऊंची कीमत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बात की जरूरत है कि देश भर में वैक्सीन की कीमत एक समान हो। चिंता का ये भी विषय है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि वैक्सीन का स्लॉट मिले, लेकिन देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है ना ही इंटरनेट। ऐसे में वो वैक्सीन का स्लॉट पाने से वंचित हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकारें जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से वो कोसों दूर है, और इसीलिए नींद से जगाने और हकीकत देखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कॉफी सूंघने की बात कही है ताकि उसकी नींद खुल सके। लेकिन जरूरी है कि नींद सही वक्त पर खुले ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके। INT 24 के लिए एसोसिएट एडिटर नाज़नीन नकवी की रिपोर्ट।